नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल रिच टॉक पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? कल आपका पेपर है, कैसी तैयारी चल रही है? बस यही आपको एक गुड लक देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आखिर वो दिन आ ही चुका है। इतने टाइम से हम जो तैयारी कर रहे थे, 3 से 4 महीने से हर स्टूडेंट लगा हुआ है UPLT के प्रिपरेशन के लिए, और कल उसका आखिरकार एग्जाम है। तो बस आपको एक गुड लक देने के लिए और कुछ थोड़े से इंस्ट्रक्शन देने के लिए और टिप देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप कल पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड पेपर दीजिए। मैंने इससे पहले जो वीडियो में आपको बताया था एक बहुत अच्छा, जिसमें संदेश दिया था कि जितनी भी परिस्थितियां आपकी बेकार गई हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आई हो UPLT के एग्जाम में या उसके बीच में कोई भी चीज, आप सारी चीजें भूल जाइए। आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखिए कि कल आपका एग्जाम है 11:30 से 1:30 बजे, शायद 2 घंटे का आपका यही टाइमिंग का जो पेपर होना है। तो इसमें ये 2 घंटे आपके पिछले के 4 महीने की मेहनत आपकी डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों पेपर में आपको कोई भी बात सोचनी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्री ऑफ माइंड पेपर देना है। कोई भी तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अभी अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो मेरी राय में अगर आप रात को जाग कर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से रात को जाग के मत पढ़िए, या तो आप अभी पढ़िए या फिर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। नींद आप पूरी लीजिएगा, क्योंकि पेपर के टाइम अगर आपको नींद आने लग गई या माइंड आपका थोड़ा थका हुआ है, मानसिक तनाव है, तो उसमें आपका एग्जाम खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज, कुछ अगर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए, मैं पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन बता चुका हूं, अगर किसी के एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है कि कोई प्रवेश पत्र में फोटो वगैरह नहीं आ रही है, साइन नहीं आ रहे, या जिनका एडमिट कार्ड ठीक भी है, तो अपने साथ एक आप अपनी ID प्रूफ जरूर लेके जाइए और फोटो, क्या पता वहां पे जरूरत पड़ जाए, भले आपका एडमिट कार्ड सही हो, क्योंकि ID तो अधिकतर पेपर में वैसे भी मांगते ही है। और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए, जो डॉट पेन होते हैं काले रंग के, 1 या 2-3 ले जाओ, 2 ले जाओ, ताकि अगर एक खराब वगैरह हो जाए तो एक अपना एक सेफ्टी के लिए आप एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। तो बस दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप पढ़ाई पे, अब मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ नया टॉपिक ना पढ़े। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का हल्का पॉइंट देख लो। अगर GS देखने, करंट अफेयर देखने, ये UPSC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने, थोड़ा बहुत हल्का हल्का सब देख लो, और वो भी वही चीज देखो जो आपने पहले पढ़ रखी है, कुछ नया ना देखे, क्योंकि आप नया देखते हो और आपको अगर कोई चीज पल्ले नहीं पड़ती है तो उसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि यार हमें कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आता है, आप 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप नकारिए नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो आता ही है। आपने भले इतना ही पढ़ा लेकिन सॉलिड पढ़ा है तो वही आपका पेपर निकाल देगा। तो बस एक आपको गुड लक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से पेपर दीजिए, पेपर निकालिए, पास होइए और दिखाइए कितनी परिस्थितियां खराब होने के बाद भी हमने पेपर निकाला है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और तो अब चलते हैं, मिलेंगे कभी अब नेक्स्ट वीडियो में। बस दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।